आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका 800 mm का कन्वेयर बेल्ट है, उस कन्वेयर बेल्ट में जो भी सब पुली लगे थे, छह टाइप के पुली लगे थे, हेड पुली, टेल पुली, दो टू बेंड पुली, एक टेको पुली और स्नैप पुली, वो सब पुली का डायमेंशन क्या रहता है, पुली का साफ का डायमेंशन क्या रहता है, पुली का साफ का मेटेरियल क्या रहता है, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कन्वर बेल्ट अगर आपका 800 mm का है, उस कंडीशन में आपका जो ड्राइव पुली रहता है, आपका ड्राइव पुली का डायमेंशन क्या रहेगा, आपका जो ड्राइव पुली रहेगा उसका ड्रम का डाया रहेगा 524 mm, आपका ड्रम का लेंथ रहेगा 950 mm, और जो ड्रम का शाफ्ट रहेगा उसका डायमेंशन रहेगा 75 mm, उसके बाद जो ड्रम का थिकनेस रहेगा वो 10 mm, और जो आपका हेड पुली में मटेरियल यूज किया जाता है, हेड पुली का जो मटेरियल रहता है वो रहता है EN80। उसके बाद हम लोग जानेंगे 800 कन्वेयर बेल्ट रहता है उसमें आपका स्नैप पुली और बैंड पुली का डायमेंशन क्या रहता है। स्नैप पुली बैंड पुली का डायमेंशन मैं एक साथ बताऊंगा क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम रहता है। आपका स्नैप पुली और जो बैंड पुली रहता है उसका डायमेंशन रहेगा, ड्रम का डाया रहेगा 273 mm, ड्रम का लेंथ रहेगा 950 mm, ड्रम का जो थिकनेस रहेगा वो रहेगा 10 mm, और जो शाफ्ट का डाया रहेगा वो रहेगा 55 mm। आपका ड्रम का जो शाफ्ट रहेगा उसका मटेरियल का ग्रेड रहेगा EN80। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 800 mm कन्वेयर बेल्ट में जो टेल पुली और टेको पुली लगा रहता है वो दोनों का डायमेंशन क्या रहता है। टेको पुली और टेल पुली का भी डायमेंशन मैं एक ही टाइम में बताऊंगा क्योंकि आपके कन्वेयर में जो टेल पुली और टेको पुली रहता है वो दोनों का डायमेंशन सेम रहता है। तो आपका 800 कन्वेयर बेल्ट में जो आपका टेल पुली या तो टेको पुली रहेगा उसमें ड्रम का डाया रहेगा 400 mm, ड्रम का लेंथ रहेगा 950 mm, और जो ड्रम का सेल रहेगा उसका थिकनेस रहेगा 10 mm, और जो शाफ्ट का डाया रहेगा, शाफ्ट का डाया रहेगा 65 mm, और जो ड्रम में शाफ्ट रहेगा उसका जो मटेरियल रहेगा उसका मटेरियल का ग्रेड रहेगा EN80। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया अगर आपका 800 mm का कन्वेयर बेल्ट में, तो उस बेल्ट में आपका जो भी पुली लगा रहेगा, पुली का डायमेंशन क्या रहता है, वो सबके बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।